एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एक ऑर्गेनाइज्ड होम हमेशा हमें लाइफ में फोकस और खुद के साथ टाइम स्पेंड करने में हेल्प करती है। खुद को स्ट्रेस फ्री रखने का बेस्ट टिप है गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आज के ब्लॉग में कुछ स्मॉल बट यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। इंडियन किचन में डेली यूज होने वाले ये मसालास, इनको तो हम लोग डब्बा में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, बट थोड़ा टाइम यूज करने के बाद ही ये डब्बा मैसी हो जाती है। इस प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करने के लिए ये टिप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे पेपर बैग्स इजीली घर पे अवेलेबल रहती है। इन बैग्स को मसाला डब्बा के साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। बस अभी कट किया हुआ पेपर को ऐसे प्लेस करके मसालास रखना है। बस जब भी मसाला डब्बा को क्लीन करना हो, इस पेपर को हटा के न्यू पेपर फिर से प्लेस कर सकते हैं, या यूज किया हुआ पेपर को ही क्लीन करके फिर से प्लेस कर सकते हैं। है ना ये सिंपल एंड क्विक टिप? स्पेशली घर के कोई और मेंबर कुकिंग करने आते हैं तब उनको बहुत दिक्कत होती है मसाला पहचानने में। सो मसाला डब्बा में ऐसे लेवलिंग करके रखने से इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे मसाला डब्बा के साइज के वजह से इसमें स्मॉल स्पून्स ही यूज कर सकते हैं। ऐसे वुडन स्पून्स मार्केट में इजीली मिल जाती है, साथ में ये इको फ्रेंडली भी है। इनको इजीली काट करके मसाला डब्बा में यूज कर सकते हैं। मसालास के लिए अलग अलग स्पून यूज करने से मसालास मिक्स नहीं होंगे और बहुत टाइम तक इनमें फ्लेवर और एरोमा रहेगा। बाकी स्पाइसेस से सॉल्ट को हमेशा एक अलग जार में स्टोर करके रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी स्पाइसेस के साथ सॉल्ट को रखने से स्पाइसेस जल्दी खराब हो जाती है। सॉल्ट को एयरटाइट ग्लास जार में स्टोर करके रखना चाहिए। ये डेली कुकिंग के लिए यूज होती है, सो जार में एक वुडन स्पून रखना कन्वीनियंट है। ऐसे एक स्पून रखने से कुकिंग के टाइम बार बार स्पून ढूंढकर टाइम वेस्ट नहीं होती है। स्टील स्पून्स रखने से रास्त आ जाती है, क्योंकि सॉल्ट में मॉइस्चर रहती है। सो सॉल्ट में वुडन स्पून यूज करना एक गुड आइडिया है। हींग, चाट मसाला, एक्स्ट्रा सॉल्ट, इनको सेपरेट शेकर बॉटल्स में स्टोर करके रखने से इनको यूज करना बहुत ही कन्वीनियंट होती है। इनको ऐसे रखने से सैलड, चाट आइटम्स में अपने हिसाब से स्प्रिंकल करने में बहुत ही इजी रहता है। साथ में ही इन बॉटल्स को लेवलिंग करके ऑर्गेनाइज करके रखने से कुकिंग रूटीन इजी हो जाती है ना? किचन लाइनर्स, ये मैंने आइकिया से लिया था। ये इजीली ऑनलाइन भी मिल जाती है। इनको अपने किचन कैबिनेट्स के हिसाब से कट करके कैबिनेट्स में प्लेस कर रही हूँ। लाइनर्स कैबिनेट के सरफेस को स्टेन से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जार्स, कंटेनर्स निकालने के टाइम जो आवाज आती है उसको भी ये कम करती है। ये लाइनर्स एंटी स्किड है, सो इसके ऊपर जार्स रखने से गिरने का चांसेस नहीं रहती है, और जस्ट एक कॉटन क्लॉथ से ही इनको इजीली क्लीन कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है फ्रिज में ये चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो के पैकेट्स ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, जिससे
फ्रिज अनऑर्गेनाइज दिखता है। इसके लिए एकदम ही सिंपल सा टिप है कि एक छोटू सा बॉक्स लेकर उसमें इन पैकेट्स को ऑर्गेनाइज करके रखना, उसके बाद इस बॉक्स को फ्रिज में रख देना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टिप के लिए यूज़ करूँगी ये हुक्स। ऑनलाइन डिफरेंट टाइप्स के ऐसे हुक्स अवेलेबल हैं। किचन के स्पेस सेव करने के लिए कुछ यूटेंसिल्स को हैंग करके रख सकते हैं इन हुक्स की हेल्प से। कैबिनेट्स के डोर में इन हुक्स को यूज़ करके डेली यूज होने वाले कुछ यूटेंसिल्स हैंग करके रखना गुड आइडिया है। इससे कुछ स्पेस बच जाने के साथ साथ ये यूटेंसिल्स इजीली एक्सेसिबल भी हो जाते हैं। ये थे आज के कुछ ऑर्गेनाइजेशन टिप्स। इन मनी प्लांट्स को कैसे मैं केयर करती हूँ आप लोगों ने पूछा था। इन प्लांट्स में वीकली एक बार ही मैं पानी देती हूँ और 5 to 6 मंथ्स में एक बार फर्टिलाइजर डालती हूँ। आज का ये ऑर्गेनाइजेशन टिप ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताना। इन स्मॉल टिप्स को फॉलो करके हम लोग अपने किचन को हैप्पी रख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। एक न्यू ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलूंगी। आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।